हाय गाइस, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके पास एक नए वीडियो के साथ। कोरोना वायरस स्टार्ट होने से पहले TRU में अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स होते थे और यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे होते थे। एक लाइवली लगता था यहाँ पे। आज मैं 3 महीने बाद फिर आया हूँ। यूनिवर्सिटी चालू नहीं हुई है, खाली एक राउंड मारने आया था, देखने आया था कैसा है क्या है, और सोचा आपको अपडेट दे दूं। मैं जिधर बैठा हूँ इसके पीछे है कैंपस एक्टिविटी सेंटर, CAC कहते हैं जिस बिल्डिंग को। ये कम्प्लीटली लॉक्ड है, द ब्राउन फैमिली हाउस ऑफ लर्निंग HOL जो बोलते हैं, जो जिसकी वीडियो मैंने आपको बताई थी। इतने बंदे थे, इतना सब था, लेकिन अभी कुछ नहीं है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यूनिवर्सिटी, बट जब इधर इंसान ही नहीं होंगे तो एकदम डेडली लगता है। ये है आर्ट्स एंड साइंस की बिल्डिंग, सामने है इंटरनेशनल बिल्डिंग। बिल्कुल भी एक बंदा नहीं दिखता इधर, कोई नहीं दिख रहा है, एकदम सुनसान हो गया। अगर आप देखोगे इतना ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है हमारी, बट ड्यू टू पेंडेमिक सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ स्टल हो गया है। बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, एक लाइफ एंजॉय करने के लिए, एक नया एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, बट जब से कोरोना वायरस आया है तब से सब कुछ बंद कर दिया है कनाडा में। इवन TRU भी शट डाउन हो गए हैं, सब कोर्सेज ऑनलाइन हो गए, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। इवन जो फॉल सेमेस्टर में बच्चे आने वाले थे वो भी ऑनलाइन ही पढ़ेंगे अभी अपने अपने कंट्रीज से। हाँ, इंडिया से भी काफ़ी रिक्वेस्ट आती है मुझे कि क्या है कैसा है। तो अभी जनवरी तक तो कॉलेजेस बंद है इधर, तो जनवरी तक तो ये ऐसा ही रहेगा। डिपेंड करता है अभी जितना जल्दी ये सब ख़त्म हो, हम फिर आए यूनिवर्सिटी, फिर पढ़ाई करें, टीचर्स 1-to-1 फेस क्लासेस ले। मज़ा आता था, मैं 2 सेमेस्टर किया हूँ इधर। फॉल में आया था मैं इधर, फॉल 2019 में। एक अलग एक्सपीरियंस था जो जनवरी में आए विंटर्स इनटेक में। बच्चे हार्डली वो 1-1.5 महीना ही यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे उन्होंने कॉलेज देखा कैसे होता है क्या है, उसके बाद कॉलेज बंद हो गए, सब घर से पढ़ाई कर रहे थे। सीरियसली बोलूँ तो कॉलेज की लाइफ बहुत अलग है, यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत अलग है। इधर अगर आप पढ़ने आओगे तो बहुत मज़ा आता है, बट ये सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी वर्ल्ड में। लेकिन खुद को देखना, खुद की वेलबींग के लिए बहुत नेसेसरी हो गया सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, बट बहुत डिप्रेसिंग है ये चीज़ें। बस अभी तो यही चाहता हूँ कि सब ये ख़त्म हो जल्दी, सब बच्चे आए वापस यूनिवर्सिटी, सब प्रोफेसर्स आए, स्टाफ आए, कि कम से कम हम अच्छे से पढ़ सके, 1-to-1 डिस्कशन कर सके टीचर्स के साथ। ऑनलाइन आप कितना भी पढ़ लो, बट वो जो डिस्कशन, वो पढ़ाई जो टीचर्स के सामने बैठ के होती है वो ऑनलाइन में नहीं होती है। वो एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड दैट, सबको पता है वो सारी चीज़ें। बट आइए दिखाता हूँ मैं आपको बाकी यूनिवर्सिटी के कैसी हो गई है। हर एक डोर्स तो बंद है सारे बिल्डिंग्स के, तो मैं अंदर तो जा ही नहीं सकता हूँ। तो नॉर्मली ये जो कैंपस दिखाया मैंने आपको पहले, बस इतना ही हम आके एक राउंड मार सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। बाकी यहाँ के जो लोकलाइट्स है वो आते हैं इधर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। गेम्स खेलते हैं हमारे बास्केटबॉल कोर्ट पे गार्डन में, बट लाइफ डेड हो गई है। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ ओल्ड मेन कैसा अभी हो गया है, दिखता है। बिना बच्चों के, बिना स्टाफ के, ना स्टारबक्स चालू है, ना टिम हॉर्टन्स चालू है, कुछ नहीं चालू है इधर। आइए देखते हैं। टाइम था जब ये पार्किंग फुल होती थी, एक गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती थी। अब एक ही गाड़ी दिख रही है हमें, बाकी पूरी पार्किंग खाली है। ओके,
इतनी ग्रीनरी हो गई है। अगर आप विंटर्स में आओगे या फॉल में आओगे, जब स्नोफॉल शुरू होती है, तो ये सब पूरा वाइट हो जाता है। आपको एक फ़ोटो और भी दिखाऊंगा आगे, जब ये पूरा कम्प्लीटली वाइट है, एक भी ग्रीन ग्रास नहीं दिखता है। अभी इतना ब्यूटीफुल हो गया है ये एरिया, बट प्रॉब्लम वही है कि ये सब इंजॉय हम कर नहीं सकते। लेट्स सी, ये जो आप रोड देख रहे हो, ये है हमारे HOL से ओल्ड मेन को कनेक्ट की हुई बीच का पैसेज। ये एक टाइम पे ऐसा होता था कि इतना भरा हुआ रहता था कि लोगों को एक्सक्यूज में बोल बोल के आगे जाना पड़ता था। अभी ये एकदम ही खाली हो चुका है। यहाँ कुछ लोग खेल रहे हैं। मैं ओल्ड मेन के बाहर खड़ा हूँ, और चलिए अंदर जाके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ओल्ड मेन। बच्चे तो होंगे नहीं, स्टारबक्स वगैरह सब बंद है। लेट्स सी। यहाँ सारे टेबल्स हुआ करते थे हर जगह पे। ये सब पैक कर दिया है। स्टारबक्स कॉफ़ी का एरिया था। यहाँ पे हमेशा बच्चे मिलते थे बैठे हुए, पढ़ाई करते हुए, गपशप मारते हुए। अभी सब कुछ, ये थिएटर है हमारा, वर्कशॉप चलती है इधर, सब कम्प्लीटली बंद है हर जगह। ये सोशल डिस्टेंसिंग का और TRU का लगाया हुआ है अपडेट। मैंने एक पहले वीडियो बनाया जिसमें ओल्ड मैन का यही लॉबी दिखाया है मैंने, जिधर इतने बच्चे हुआ करते थे, इतना सब होता था। अभी देखोगे तो एकदम डेड है। इवन जो लॉबीज है उसको ग्रिलिंग करके रखी हुई है कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर हियर। इधर कंप्यूटर लैब है, वो चालू है, बाकी सब बंद है।